नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। जेएच कॉलेज में विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। जिले के सबसे बड़े शासकीय कॉलेज में विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। लाइब्रेरी में रखी किताबें हो रही हैं गीली, लग रही है दीमक। छात्रों को आवाज उठाने पर प्रिंसिपल देती हैं कानूनी कार्रवाई करवाने की धमकी। धरने पर बैठे छात्रों ने सुनाई अपनी व्यथा। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल के जिला मुख्यालय पर स्थित बैतूल जिले का सबसे बड़ा कॉलेज जयवंती हक्सर महाविद्यालय में भारी अनियमितता सामने आ रही है। यहां छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ कॉलेज प्रबंधन खिलवाड़ कर रहा है। गरीब छात्रों को अध्ययन के लिए दी जाने वाली पुस्तकें उचित रखरखाव के अभाव में बारिश में पुस्तकालय के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जहाँ छात्रों के लिए रखी हुई किताबें खराब हो रही हैं। इसी में इनमें दीमक भी लग रही है। इस बात की शिकायत करने पर कॉलेज की प्रिंसिपल द्वारा छात्रों को धमकाया जाता है कि इस तरह आंदोलन करोगे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर आज छात्र संगठन कॉलेज परिसर में ही धरने पर बैठ गए और मांग की कि इस तरह की लापरवाही से कॉलेज के विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। समय पर विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, जिसका जिम्मेदार कॉलेज प्रबंधन होगा। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय जयवंती हक्सर महाविद्यालय है, जहाँ जिले के आदिवासी बाहुल्य के छात्र छात्राएं भारी संख्या में अध्ययन करने आते हैं, और इस तरह का उदासीन रवैया अपनाना प्रबंधन का कहाँ तक सही है। जबकि यहाँ पर जिले के गणमान्य नागरिक और कलेक्टर खुद जनभागीदारी समिति का हिस्सा है, उसके बावजूद इस तरह से छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करना समझ से परे है। यह प्रिंसिपल विजेता चौबे अपना हिटलर राज कॉलेज पर चलाना चाह रही हैं। अब ये देखना होगा कि इस मामले में जिले के तेज तर्रार छवि वाले कलेक्टर मामले में संज्ञान लेकर कॉलेज प्रबंधन पर क्या कार्रवाई करते हैं, या इसी तरह छात्र छात्राओं के भविष्य खिलवाड़ चलता रहेगा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र दुर्वे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत का सहमंत्री हूँ। किताबें लेकर बैठे हो, क्या कारण है इसका? किताबें लेकर इसलिए बैठे कि सारे स्टूडेंट को पता चले कि मैडम की जो कारतूत है, पिछले एक महीने से बता रहे कि हम लोगों ने बता दिया कि बेसमेंट से निकाल दिया गया पुस्तक, लेकिन आज तक वहाँ से बेसमेंट से पुस्तक आज की तारीख में हटी है। वहाँ से पुस्तक जब हम गए थे तो भी पानी भी है और पुस्तक आज हटाई जा रही है। वहाँ पे कई पुस्तकें गीली वहाँ पे पड़ी है। शिकायत करने पर क्या कहते हैं? मैडम को पहले ही पता, एक महीने पहले बताया हमने, बताया कि पुस्तकें गीली हो रही है, लेकिन आज हम लोग आंदोलन कर रहे, बच्चों को बता रहे कि आपकी पुस्तकें गीली हो रही है, बच्चों को हमारे माध्यम से बताया जा रहा है। प्राचार्य का क्या कहना है? प्राचार्य का कहना ये कहना है कि हम लोगों ने निकाल दिया पुस्तक वहाँ से बेसमेंट से, और हम लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की बात, हम बोलते कि कानूनी कार्रवाई कर ले, लेकिन उन बच्चों के हक और अधिकार के क्या होगा जिन बच्चों की पुस्तकें मिलती है। अभी आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आंदोलन हम लोग सारे बच्चों को विषय बताएंगे, हर एक एक बच्चे तक जाएंगे कि आपकी पुस्तकें गीली हो, ताकि वो जागरूक हो उनके पुस्तकों के लिए। क्या नाम है आपका? देवेन पांसे। देवेन, किस कॉलेज में पढ़ते हो? जेएच कॉलेज में विद्यार्थी हूँ, फोर्थ ईयर में पढ़ता हूँ सर। क्या समस्या थी, किताबें क्यों फैला के बैठे हो? सर ये किताबें इसलिए फैला के बैठे कि सर यहाँ पे तीन महीने से हम लोग प्रिंसिपल मैडम को हमने सूचना कर रहा था कि वहाँ पर लाइब्रेरी में जो बुकें खराब हो रही है, विद्यार्थियों को बुक नहीं मिल रही है, तो कृपया हम इसका थोड़ा सा निराकरण करें। तो मैडम तो हमको ऊपर से डांट रहे कि आप लोगों, तो उस कारण से हम लोग उनका आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं सर। किस तरह की समस्या आएगी, ये कुछ किताबें खराब हो जाएगी सर? इसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट है सर बीएससी के, उनको जीव विज्ञान और केमिस्ट्री की बुक नहीं मिल पाती है। कारण ये है कि सर ये लोग वहाँ पर ऐसा है कि फिर उसके बाद प्रशासन द्वारा जो बुक मिलती है सर, उनको विद्यार्थी को मिल नहीं पाता है। जो निःशुल्क एसटी को जो निःशुल्क बुक मिलती है वो नहीं मिल पाती है, तो सर उनके लिए हम लोग मैडम से आग्रह कर रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए आपको करने कुछ नहीं रहा। प्रबंधन से शिकायत की तो क्या कहते हैं? मैडम तो हमको डिटवा रहे कि अपराध है, बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उनने बोला कि हम लोग इसका निराकरण करेंगे। लाइब्रेरी में किताबों की स्थिति क्या है? बहुत खराब स्थिति है सर, उन्होंने अभी वर्तमान में हटा दिया गया, लेकिन ये तीन महीने से वहाँ पर ऐसी बारिश के कारण उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। वहाँ खराब बुक पड़ी थी सर, जो बच्चे थे हमने लेके आए यहाँ। ये आंदोलन आप कर रहे हो, अगर इसमें आगे कार्रवाई नहीं होगी तो आप क्या करोगे आगे? सर हम इसके यहाँ पर बैठ के हम लोग जब तक इसका निराकरण नहीं मिल पाएगा हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आंदोलन कर रहे हैं, क्या किया जा रहा है इसके लिए? देखिए मैंने इसके पहले ही जब बेसमेंट में ये चीज़ें पानी भरा था उसी समय में मैं आदेश दे चुकी थी कि यहाँ से ये कमरा खाली करके ऊपर ले जाया जाए, जो कमरा खाली है उसी में ये सारी सामग्री ले जाई जाए। लेकिन मैडम कुछ दिन पहले भी ये स्थिति थी और अभी भी ये स्थिति बनी है, तो क्या आदेश का पालन नहीं हुआ?
यही माना जाए कि कर्मचारी अपनी सुविधा देखते हैं कि इतना सामान हम उठा कर ले जाएंगे और फिर वहाँ पर रखेंगे। आप प्रिंसिपल हो क्या, आपकी बातों को मैं स्वयं देखिए, मैं वहाँ पर बेसमेंट में जिस समय में गई थी उसी समय में मैं इनको मैंने आदेश दे दिया था। अब मैं ये फिर इस पे कार्य करूँगी। मानसून लौटता हुआ जा रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं कि बैतूल में ही नहीं है, जहाँ जहाँ पर इतनी तेज बारिश हो रही है, इस बारिश का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। ये बारिश कभी हमारे यहाँ इस समय में नहीं आती, लेकिन जिस तरीके से तेज बारिश हो रही है उसमें अच्छे अच्छे घरों में भी हुआ है। कितनी किताबें गीली हुई है और कितनी किताबें, अब मैं वहाँ जाकर ही जब ये देखिए, मैंने जब उनसे जो अपडेट लिया है कर्मचारियों से, उन्होंने यही कहा कि मैडम किताबें नहीं उतनी गीली हुई है, और जो थोड़ी थोड़ी गीली हुई है वो सुखाने के इससे उन्होंने बुलाए, बाकी पूरी अलमारियां कल आपकी तरफ से, कल यहाँ चैनल वाले आए थे वो लोग भी देख कर गए हैं, किताबें पूरी रैक में रखी गई हैं, बांटने के लिए जो किताबें थोड़ी बहुत नीचे रखी गई होंगी वही किताबें गीली होंगी। आपको नहीं लगता मैडम छात्रों का नुकसान है सीधा सीधा? देखिए बिल्कुल इतनी गीली नहीं हुई है जिसमें इतना नुकसान हो रहा है, आप भी अभी देख रहे हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की जब तक मांग नहीं रखेंगे, बीवीपी अपनी चीजें नहीं रखे, कैसा उनका अस्तित्व बना रहेगा? देखिए आप भी यहाँ पर देख रहे हैं कि वो किताबें उतनी गीली नहीं है या उतनी क्षति नहीं है, वो चीजें आकस्मिक रूप से जब चीजें होती हैं, संभलने का जब मौका नहीं मिलता तो उस समय में ये परिस्थितियां होती हैं। पहले भी गिली हुई थी तो क्या? मैंने आदेश अभी आपको बताया कि मैंने उनको पहले ही कह दिया था कि यहाँ से हटा लिया जाए। आपने क्या कार्रवाई की? उन्होंने नहीं, अब ये चूंकि मेरे को अब ये पता चल रहा है, मैं कार्यवाही करूंगी। मैम कितने दूर है जो आप यहाँ निरीक्षण करने नहीं जा पाती? मैं गई थी उस समय में पानी नहीं आया, पानी नहीं था, मैं करके गई ना, तुम पानी नहीं था, मैं पीछे भी गई थी,